हाय, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं एवर ऑन बीट्स। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में कि जब भी आपके पास ऑप्शन आता है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने का, तो आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर रिसर्च करते समय आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के रिसर्च करना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उनके भी काफी डिस्क्रिप्टिव और काफी डिटेल्ड वीडियोस हैं। मैं पर्टिकुलरली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड वीडियो देख के समझ नहीं आता है या फिर काफी बुकिश लगने लगता है उन लोगों को, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है ताकि आप आसान भाषा में समझ सके। दूसरी बात है कि मैं जो भी इसमें शेयर करता हूँ, अपने वीडियोज में जो भी चीजें मैं शेयर करता हूँ, वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या फिर मेरे आसपास के जो बिजनेस कलीग्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम प्रैक्टिकल मिलती है और आप अपनी लाइफ में उसे बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। जब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी होती है तो कंपनीज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है, तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह होगा और आप भी एक अच्छे करियर को स्टार्ट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज होती है उस कंपनी का प्रोडक्ट। उस कंपनी में प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके साथ उस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट तो है ठीक है, उसका रेट भी बहुत हाई है, पर आपको जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाता है, तो अगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है इसका मतलब है कि वर्थ नहीं है प्रोडक्ट, जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इस केसेस में कंपनी का ज्यादा दिन सस्टेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इस केस में आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कंपनी की एज कितनी है, कितनी ज्यादा पुरानी कंपनी है या फिर आपके शहर में या आपकी कंट्री में कितने दिनों से ऑपरेट कर रही है, आपके आसपास वाले लोगों ने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। जब भी आप गूगल करते हैं तो आपको आसानी से उसकी डिटेल्स मिल पा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें अगर आप चेक कर लेते हैं तो एक कंपनी की ऑथेंटिसिटी आपको समझ में आ जाती है। एक अच्छा और फायदेमंद प्रोडक्ट होने के बाद, कंपनी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है कंपनी का बिजनेस प्लान। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हैं वो आपको कैसा बिजनेस प्लान दे रही है या किस तरह से वो आपकी इनकम जनरेट करने में मदद कर रही है और कैसा करियर पाथ आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर ऐसा कोई करियर पाथ है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपको लोगों को ऐड करते जाना है, तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी है जो सिर्फ लोगों को ऐड करने के ऊपर बेस्ड थी और बहुत जल्दी वो फेल हो गई या फिर भाग गई भी आप कह सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरह आप एक अच्छा बिजनेस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस प्लान सेलेक्ट करने के पहले आपको दो चीजें समझने की जरूरत है कि कंपनी जब सेल करती है या फिर एक यूनिट जब सेल होती है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो कंपनी को कितना परसेंटेज मिलता है, कितना परसेंटेज वो अपने पास रखती है और कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर कोई कंपनी 40% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो पहले ही आपको उस कंपनी से दूर हो जाना है। अगर 40% तक का डिस्ट्रीब्यूशन उस कंपनी का है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे के पैरामीटर्स जज कर सकते हैं। फोर्थ और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सोचना चाहिए वो है कि इस कंपनी में काम करने के बाद आपको बिना मेहनत के बहुत छोटे समय में पैसा तो नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि बिना मेहनत किए आपको उस कंपनी में बहुत ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, तो डेफिनेटली वो कंपनी कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना है। नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी या आप लाइफ में कोई भी फील्ड ले लीजिए, जब तक आप प्रॉपरली मेहनत नहीं करते हैं, टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर गोल के लिए आप काम नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफर आता है जिसमें आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है और बहुत अच्छा आपको रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उस कंपनी के साथ। ये कुछ पैरामीटर्स थे जो आपको हेल्प करेंगे कभी भी किसी नेटवर्किंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। जब भी आप ज्वाइन करना चाहें या आपके कोई रिलेटिव ज्वाइन करना चाहें, डेफिनेटली एक बार इस वीडियो को रेफर जरूर कीजिए, प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए पैरामीटर्स को और चेक कीजिए अपने लेवल पे कि नेटवर्किंग कंपनी जो आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छी है या नहीं। इसके साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है इसलिए क्योंकि जो पॉइंट्स है वो एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग उसके अंदर नहीं है। आप अगर ये सिर्फ 3-4 पैरामीटर्स भी प्रॉपरली देख लेते हैं तो आपको एक अच्छी कंपनी चुनाव करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ या कोई भी लाइफस्टाइल सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।